चैनल। जैसे कि आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी करवा चौथ आने वाली है, कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है, और दिवाली पे तो हम ढेर सारे दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाने के लिए हमको बत्तियों की जरूरत पड़ती है। कुछ हम तेल के दीपक जलाते हैं, कुछ हम घी के दीपक जलाते हैं, तो अलग अलग तरह की बत्तियां चाहिए होती है। घी के लिए अलग बत्ती चाहिए होती है और तेल के लिए अलग बत्तियां चाहिए होती है। अभी मैं कल घर पे आई तो मैंने देखा कि मम्मी दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए बत्तियां बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं हम भी बना के। जब मैंने बत्तियां बनाई तो उसको बनाना बहुत ही आसान था, मैंने बनाया बहुत ही मजा आया, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गई। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स, जो बत्तियां बनाई मम्मी ने बहुत ही कलरफुल बनाई थी, कुछ येलो थी, कुछ रेड थी, और कुछ सिंपल जो पूजा में हम यूज करते हैं मोस्टली वो बत्तियां थी। तो मैंने बत्तियां बनाई तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको बनाना इतना आसान है, शायद मैं भी नहीं जानती थी कि इसको घर पे हम इतनी इजिली और जल्दी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा इसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, और सबसे अच्छी बात आपको अपने अकॉर्डिंग जो बत्तियां हैं उसका साइज आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं कि हम कैसे कलरफुल बत्तियां बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम रुई से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको बत्ती बनाने के चाहिए रुई कॉटन। उसके बाद हमें चाहिए कच्चा दूध। मैंने यहाँ थोड़ा सा कच्चा दूध लिया हुआ है कटोरी में। कच्चे दूध से जो हमारी रुइयाँ हैं बहुत अच्छी बनती हैं, एकदम हार्ड बनती हैं और अच्छी जलती हैं। और अगर आपको येलो बत्तियाँ बनानी है तो मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें हल्दी ऐड कर दी है, जिससे जो हमारी बत्तियाँ हैं वो एकदम येलो कलर की बनके तैयार हो जाएंगी। और जो तीसरी हमने कटोरी ली है उसमें हमने थोड़े से दूध में कुमकुम या रोली ऐड की है, इससे जो हमारी बत्तियां हैं वो रेड कलर की बनेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ऐसे हमने बहुत ही आसानी से, बहुत कम टाइम में ढेर सारी कलरफुल अपने घर पे बत्तियाँ बनाई। आप भी इस कलरफुल बत्तियों को अपने घर पे बनाइए और इस दिवाली पे ढेर सारे दीपक जलाइए, अपने घर को रोशन कीजिए
और जो पीएम द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है लोकल फॉर वोकल, उसको सपोर्ट कीजिए। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे ढेर सारे दीपक खरीदिए। अगर आपको आज का टॉपिक और आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लें, जिससे आगे आने वाली मेरी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय।